आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपकी दीवारें या किवाड़ मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। यदि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता तो उसे डरने का कारण क्या? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। महंत जी बाल योगी से प्रभावित हुए, लेकिन अगर उन्हें अंदर आना स्वीकार न था तो महंत जी भला क्या करते? बालक की मौत निश्चित थी। है नहीं, सिर्फ प्रेम ही नीलकंठ का एकमात्र प्रतिभाव था। उनके आध्यात्मिक प्रकाश ने हिंसक सिंह को अहिंसक बना दिया। नीलकंठ भीतर से शांत थे, इसलिए बाहर भी उनके आसपास शांति व्याप्त हो जाती थी। सुबह होते ही शेर जंगल लौट चला और शांति गांव में लौट आई। ग्रामवासियों ने नीलकंठ को श्रीपुर में ही रहने के लिए प्रार्थना की। नीलकंठ ने समझाया कि रोजाना जिंदगी के छोटे मोटे डर हों या मौत का डर, उससे मुक्त होने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत है। नीलकंठ जहां भी गए, अनगिनत लोगों ने उनका प्रेम पूर्ण स्वागत किया। ये भारत के वो लोग हैं जो विश्व की सबसे ज्यादा विविधताओं से सभर हैं, जहां मानव अभिलाषा की हर तरह की अभिव्यक्ति है और हर तरह की जीवन शैली है। विश्व की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक परंपराओं का जन्म हुआ था भारत में। इसका मूल है पवित्र वेदों में, जो सिखाते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर जी सकते हैं, अनेकता में भी एकता हो सकती है। आज भारत अलग अलग धर्मों, परंपराओं और पृष्ठभूमि के 100 करोड़ से